फिटनेस वेलनेस को चुना। दोस्त इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। स्पेशली दोस्त अपने आप की आज एक फीट थपथपाइए, अपने आप को बार बार धन्यवाद दीजिए, जिंदगी के अंदर हमारे को ऊपर वाले ने एक इंसान के रूप में धरती पे भेजा है। इसके अलावा ऊपर वाला हमारे को सक्सेस दिलाना चाहता है, ऊपर वाला हमारे को करोड़पति बनाना चाहता है। इसलिए दोस्त हमारी लाइफ के अंदर AWPL जैसा प्लेटफॉर्म हमारी लाइफ में आना, ये दोस्त बहुत बड़ा अचीवमेंट अपने आप में। क्योंकि दोस्त मैं बताना चाहूंगा, इस दुनिया के अंदर आप लोगों ने भी आज से पहले काफी मेहनत की होगी, काफी स्ट्रगल किया होगा, लेकिन दोस्त हार्ड वर्क से पैसा नहीं आता। मैं बोल सकता हूँ दोस्त, स्लीपियस वेलनेस किस्मत वाले लोगों को स्लीपियस वेलनेस डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म मिलता है। दोस्त मैं बोल सकता हूँ, आप लोगों ने कुछ अच्छे कर्म पिछले जन्म में या हो सकता है बचपन में आपने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसका रिजल्ट, जिसका फल, जिसका आउटपुट दोस्त आज आपको मिल रहा है। क्योंकि दोस्त एक ऐसा मंदिर है स्लीपियस वेलनेस, एक इंसान सिर्फ दिल से 3 से 4 साल यहाँ पे मेहनत कर ले और दिल से मन्नत मांग ले, अपने जो भी ख्वाहिश हैं, जो भी इमोशंस हैं, जो भी सपने हैं उनको सिर्फ दिल से चाले, तो दोस्त स्लीपियस वेलनेस के अंदर हर मन्नत आपकी पूरी होगी। दोस्त इस बात का आपको यकीन करना पड़ेगा, इस बात का आपको भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्त मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा, इस प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सारे लोग ज्वाइन होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन होने के बाद फेल हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह दोस्त एक ही होती है, क्योंकि आपको एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं, आपने स्कूल के अंदर जब पढ़ाई की होगी, आपके पास में एक स्कूल सेम हुआ करती थी, सेम सब्जेक्ट, सेम टीचर, सेम माहौल आपको मिला करता था, लेकिन उसके बाद भी उस स्कूल के अंदर, उस क्लास के अंदर कुछ लोग सक्सेस हो पाते थे, कुछ लोग अच्छे मार्क्स से पास होते थे, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग असफल हो जाया करते थे, कुछ लोग फेल हो जाया करते थे। आया ना, ऐसे दोस्त स्लीपियस वेलनेस या डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्त 90 से लेकर 95% लोग इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब नहीं हो पाते। उसकी वजह सिर्फ एक ही होती है, यहाँ पे सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भरोसा नहीं करते। दोस्त मैं एक ही बात बताना चाहूंगा, सबसे पहले आप अपने आप के ऊपर बिलीव कीजिए, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बिलीव कीजिए, सिस्टम के ऊपर बिलीव कीजिए। जिस इंसान ने आपको इस प्लेटफॉर्म का रास्ता दिखाया है, उस इंसान का बार बार धन्यवाद दीजिए और उस इंसान के ऊपर 100% ब्लाइंड फेथ कीजिए। अगर कोई इंसान दिल से 3 से 4 साल अगर विश्वास करके इस काम को करता है, तो दोस्त आप करोड़पति नहीं, साहब यहाँ पे अरबपति बन सकते हैं, इस बात की गारंटी है। बस भरोसा करना पड़ेगा, माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मैं ऐसे सक्सेस हो पाता हूँ, क्या यहां से मैं इतना पैसा कमा पाऊंगा, ये सच्चाई है। क्योंकि दोस्त हमारा माइंड उन चीजों को ज्यादातर एक्सेप्ट करता है जो कि बिल्कुल छोटी होती है। जैसे हमारा गलती नहीं है, प्रैक्टिकल बात हुई है, हम उस समाज से, उस माहौल से, उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्त, जहां पे हमने बचपन से जब तक हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की, जब तक हमने पढ़ाई कंप्लीट नहीं की, और आज तक भी मैं बताना चाहूंगा एक ही बात, हमारे परिवार के अंदर, हमारे खानदान के अंदर, हमारे रिश्तेदार, हमारा समाज सिर्फ एक ही बात बोलता है, बेटा पढ़ना लिखना नौकरी करना। आज तक दोस्त हमारे को किसी एक भी इंसान ने एहसास नहीं कराया कि सर आप यहाँ से सक्सेस बनना, आप एक बिजनेसमैन बनना, आप करोड़पति बनना, बेटा आप दुनिया के अंदर कुछ ऐसा करके जाना जो आज तक किसी ने नहीं किया। बस हमारे को नौकर बनने की सोच डेवलप की जाती है, ये प्रैक्टिकल है दोस्त। गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी भी नहीं है, गलती हमारे को माहौल मिला। अगर यही चीज, अगर आप अंबानी के घर में पैदा होते, सेम इंसान हो आप, लेकिन दोस्त वहां पे आपकी सोच करोड़ों अरबों रुपए की डेवलप होती, क्योंकि दोस्त वहां पे माहौल ही आपको एक अच्छा मिला। लेकिन दोस्त हम कमजोर नहीं है, आपको बात ये समझनी पड़ेगी, हमारे को कमजोर प्लेटफॉर्म मिला, हमारे को कमजोर माहौल मिला, हमारी सोच को कमजोर किया गया, हम तो दोस्त ऑलरेडी विजेता है। दोस्त बोला जाता है जब एक इंसान स्थिति पे जन्म लेता है तो दोस्त वो विजेता बनकर ही लेता है, क्योंकि दोस्त आप जब पैदा ही विजेता बनकर हुए हो तो अपने आप को कमजोर नहीं समझना, अपने आप को कभी भी हारा हुआ इंसान नहीं समझना। दोस्त आप विजेता है, आप एक ऐसे इंसान है दोस्त जो कि इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है ऐसा। आप अपने आप को एक यूनिक समझिए, इस दुनिया के अंदर जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, जो आप सोच सकते हैं कोई दूसरा नहीं सोच सकता। सबसे पहले दोस्त हम इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, इसके लिए दोस्त ऊपर वाले का धन्यवाद दीजिए, अपने पेरेंट्स का धन्यवाद दीजिए, जिस इंसान ने आपको ज्वाइन कराया उसका धन्यवाद दीजिए। अब मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा, आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन तो जरूर किया है, लेकिन ज्वाइन करने का आपका मकसद क्या है, आपका पर्पज क्या है? मैं आपको स्लाइड के माध्यम से, कुछ पिक्चर्स के माध्यम से कुछ शो करना चाहूंगा, अपन स्लाइड के माध्यम से मुद्दे की बात ही करेंगे, ठीक है? आपको स्लीपियस वेलनेस क्यों करना है, क्या है स्लीपियस वेलनेस और इस स्लीपियस वेलनेस को कैसे करना है, ये हम जानेंगे आज की प्रेजेंटेशन के अंदर, आज की इस मीटिंग के अंदर। सबसे पहला दोस्त सवाल आता है, व्हाई यू ज्वाइन स्लीपियस, आपने स्लीपियस वेलनेस को क्यों ज्वाइन किया, ये सवाल अपने आप से करना आपको, मैंने स्लीपियस वेलनेस को क्यों ज्वाइन किया। अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करने का सिर्फ मकसद प्रोडक्ट खाने का है तो दोस्त ये मीटिंग आपके लिए नहीं है।
आपका सिर्फ मकसद इतने का है कि यार मैं दो वक्त की रोटी कैसे भी करके जुगाड़ कर लूं, अपनी लाइफ को एडजस्ट करके जीना चाहता हूं या काटना चाहता हूं, तो ये मीटिंग आपके लिए नहीं है, सॉरी, माफी चाहूंगा। अगर आप जिंदगी के अंदर कुछ करना चाहते हैं, अगर आपके कुछ इमोशंस हैं, आपके कुछ सपने हैं, आपके कुछ चाहते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो दोस्त ये इंडस्ट्री आपके लिए, क्योंकि दोस्त ये इंडस्ट्री रियल में ड्रीमर्स लोगों के लिए। आप आगे एक सवाल आएगा, क्या आप सपने देखना जानते हैं या सपने हैं आपके, मैं सवाल आपसे कर सकता हूं। क्या आप अच्छी कार चाहते हैं, क्या एक अच्छा विला या अच्छा मकान आप बनाना चाहते हैं, क्या देश विदेश की यात्रा आप करना चाहते हैं और अपनी फैमिली को कराना चाहते हैं, क्या अपने आप को एक अच्छी लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं, क्या आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, क्या आप अपने आप को और अपनी फैमिली को सुरक्षा देना चाहते हैं, सिक्योरिटी, क्या अपनी पहचान इस पूरी दुनिया के अंदर आप बनाना चाहते हैं, ये सवाल अपने आप से हैं। अगर इनमें से दोस्त कुछ भी अगर आपके इमोशंस हैं, अगर आपको लगता है मैं जो काम कर रहा हूं उस काम को करके मेरी चाहते पूरी हो सकती हैं, तो दोस्त ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। लेकिन लगता है सर मैं सब कुछ चाहता हूं लेकिन आज तक मेरे को किसी ने एहसास नहीं कराया, आज तक किसी ने मेरे को ये बताया नहीं कि सर आप इस काम को कीजिए, आपके सारे सपने यहां से पूरे हो सकते हैं। लेकिन दोस्त मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, अगर आपके रियल में सपने हैं तो दोस्त इंडस्ट्री आपके लिए, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए, स्लीपलेस वेलनेस आपके लिए। बस सिर्फ आपको यहाँ पे विश्वास करना है, यकीन करना अपने आप के ऊपर, बिलीव करना अपने आप के ऊपर, बस अपने आप के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। दोस्त मैं बताना चाहूंगा, स्लीपलेस वेलनेस वो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप जितना बड़ा सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा आपको मिलने वाला है, इस बात का आपको भरोसा करना पड़ेगा। कर सकते हैं भरोसा। इसके बाद में दोस्त यहाँ पे एक चीज लिखी हुई, अगर आपके सपने हैं, अगर आपके इमोशंस हैं, उनको अगर पूरा करना चाहते हो, तो उसके लिए दोस्त एक मजबूत प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। एक आपके पास में एक मजबूत प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि दोस्त आप कितने भी हार्ड वर्क कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी पसीना भाल लें मार्केट के अंदर, कितना भी आप एजुकेटेड हैं, लेकिन आपका प्लेटफॉर्म कमजोर है, तो दोस्त आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते, आप अपने आप को और अपनी फैमिली की चाहतों को पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्त बोला जाता है इस दुनिया के अंदर हार्ड वर्क से पैसा नहीं आता, हार्ड वर्क से एक इंसान सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है। जैसे आपने एक मजदूर को देखा होगा, एक किसान को देखा होगा, एक सब्जी बेचने वाले को देखा होगा, एक नौकरी करने वाले इंसान की लाइफ को देखा होगा, तो हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, खूब किसान पे पसीना बहाता खेतों के अंदर, खूब रिक्शा वाला रिक्शा चलाते टाइम पसीना बहाता, लेकिन दोस्त आज तक वो पैसे वाला नहीं बना, दोस्त उसका प्लेटफॉर्म कमजोर था। और आपने भी दोस्त बचपन से आज तक खूब मेहनत की होगी, इतना हार्ड वर्क किया होगा जो कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने भी दोस्त किया है, लेकिन दोस्त मेरे पास प्लेटफॉर्म कमजोर था, मेरे को किसी ने एहसास नहीं करा कि किशन आप ऐसा काम कीजिए, यहाँ पे आप इतनी मेहनत जो कर रहे हो उससे भी कम मेहनत में आप सक्सेस हो सकते हो। क्योंकि दोस्त बोला जाता है प्लेटफॉर्म की ताकत होती है, अगर आपका प्लेटफॉर्म ही कमजोर है, इस दुनिया के अंदर आप कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते। आपके कितने भी ज्यादा सपने हो, कितने भी बड़े सपने हो, आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म के अंदर वो ताकत नहीं है, तो दोस्त आप अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते। दोस्त प्लेटफॉर्म की जब बात आ रही थी, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, मेरी लाइफ का एक इंसिडेंट, प्रैक्टिकल एग्जांपल, मेरी लाइफ के अंदर ऐसा हुआ था कुछ समय पहले की बात है। मैं जयपुर से मेरे को हरियाणा जाना था, लेकिन दोस्त मेरी ट्रेन लगभग 6:30 बजे की थी इवनिंग की, और मैं थोड़ा सा लेट हो गया, आप समझना, थोड़ा सा लेट हो गया, और मेरी आंखों के सामने ट्रेन मेरे गुजरते हुए देखा, मैंने ट्रेन का काफी पीछा किया, काफी दूर तक मैं इतना तेज दौड़ा आप सोच भी नहीं सकते, मतलब जितने ताकत से आज तक मैं नहीं दौड़ा उस दिन मैंने दौड़ा, मैं सच बता रहा हूँ दोस्त। जैसे ही मैं उस प्लेटफॉर्म पे दौड़ रहा था, मैं ट्रेन को जस्ट पकड़ने वाला था, लेकिन उसी टाइम दोस्त प्लेटफॉर्म खत्म हो गया, प्लेटफॉर्म का एंड आ गया, और वो मेरी आंखों के सामने से वो ट्रेन थोड़ा सा अगर थी सेकेंडो का भी अगर फर्क होता तो मैं वो ट्रेन पकड़ लेता। उस दिन दोस्त मुझे अपनी लाइफ के अंदर प्लेटफॉर्म की ताकत समझ आई, किशन काश अगर ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा बड़ा और होता, काश, अपने आप से सोचा, काश थोड़ा सा बड़ा और होता, अगर दो कदम और भी बड़ा होता तो शायद मैं ट्रेन पकड़ लेता। क्योंकि दोस्त उस टाइम प्लेटफॉर्म की एहसास हुई। ऐसे दोस्त जिंदगी के अंदर आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, आपको लगता है वो प्लेटफॉर्म आपके सपनों को पूरा कर सकता है, तो दोस्त जरूर आप उस काम को कीजिए। लेकिन लगता नहीं, क्योंकि दोस्त मैं आपको सच बताऊं, आपका प्लेटफॉर्म इतना बड़ा होना चाहिए जितना आप सोच सकते हैं, उससे भी ज्यादा उस प्लेटफॉर्म के अंदर पोटेंशियल है, आपको दे सकता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा और आपको बधाई भी देना चाहूंगा इस बात की, स्लीपलेस वेलनेस वो प्लेटफॉर्म है। अगर आप सोचते हैं कि मुझे इस बिजनेस से 10 लाख रुपए महीना कमाना है, आप चाहते हैं इस बिजनेस से मुझे 50 लाख रुपए महीना कमाना है, तो दोस्त 50 लाख भी कमा सकते हैं, 10 लाख भी कमा सकते हैं,
आप चाहते हैं सर 10 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, मुझे तो 1 करोड़ रुपए महीना भी कमाना है, तो दोस्त इस प्लेटफॉर्म के अंदर वो ताकत है कि आपको 1 करोड़ रुपए महीना भी कमा करके दे सकता है। तो दोस्त इस प्लेटफॉर्म के अंदर वो ताकत है, जितना आप सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा मिलेगा। तो दोस्त एक लाइन लिखी हुई है, अगर सक्सेस को प्राप्त करना चाहते हो तो दोस्त ये तुक्का नहीं है, ये चॉइस नहीं, ये चांस नहीं है कि आपको बाई लक बाई तुक्का मिल जाएगी। दोस्त ऐसा नहीं है, सक्सेस प्राप्त करने के लिए उसको चुनना पड़ेगा कि दोस्त मुझे सक्सेस चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं है, मुझे भूख है सक्सेस की, मुझे सपनों को पूरा करना है अपने आप के और अपने परिवार के। दोस्त अगर रियल में आपके अंदर ये इच्छा शक्ति है, डिजायर है, तो दोस्त आप जरूर लाइफ के अंदर सक्सेस होंगे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, इस दुनिया के अंदर एक इंसान को सक्सेस प्राप्त करने के लिए, मैं बोल सकता हूँ पैसे कमाने के लिए, एक स्लाइड आपको नजर आ रही होगी, इस दुनिया के अंदर दोस्त 4 ही तरीके एक इंसान को पैसा कमाने के लिए, इसके अलावा कोई तरीका नहीं बना दुनिया के अंदर। एक इंसान, मैं बोल सकता हूँ 4 तरीके से काम करके इस दुनिया के अंदर पैसा कमाता है, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। एक इंसान नौकरी करता है, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय, और दोस्त सुनने में थोड़ा सा एक कड़वा शब्द लगता है, जिसको हिंदी भाषा में बोलते हैं नौकर, जहां पे हमारे को गुलामी सहनी पड़ती है, जहां पे हमारे को गुलामी करनी पड़ती है, जहां पे बॉस की गालियां खानी पड़ती है। दोस्त ये सच्चाई है, और आज दोस्त ज्यादा भी नहीं बोलता दोस्त, 50% से ज्यादा पॉपुलेशन इसकी तरफ भाग रही है, ज्यादा ही होगी, नौकरी नौकरी नौकरी, इसके अलावा कुछ नहीं सोचता इंसान, मिलेगा कितना आप भी जानते हैं। ये इंसान दोस्त बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है, इस कैटेगरी के अंदर ज्यादातर पढ़े लिखे लोग आते हैं। दूसरी कैटेगरी सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसको हम बोलते हैं एक छोटा मोटा अपना खुद का छोटा सा व्यापार बोल सकता हूँ, एक खुद की दुकान बोल सकता हूँ, शटर ऑन इनकम स्टार्ट, शटर ऑफ इनकम बंद। जैसे इस कैटेगरी के अंदर डॉक्टर भी हो सकता है जो अपना खुद का क्लिनिक चलाता है, एक इंजीनियर भी हो सकता है, एक वकील भी हो सकता है, एक परचून की दुकान वाला भी हो सकता है, एक मेडिकल स्टोर वाला भी होता है, समझ रहे हो इस बात को। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी है दोस्त, यहाँ पे लिखा बिजनेस ओनर, ये दोस्त खुद एक सिस्टम को क्रिएट करते हैं, ये खुद काम नहीं करते, इनके लाखों लोग काम करते हैं, ये एक बिजनेसमैन अपने आप को कहलाते हैं दोस्त। इसकी वजह सिर्फ एक ही है, क्योंकि दोस्त इनके लिए लाखों करोड़ों लोग काम करते हैं, ये खुद काम करें ना करें तो भी इनके अकाउंट में पैसा आता है। चौथी कैटेगरी होती है दोस्त इन्वेस्टर, न तो दोस्त ये खुद इंसान काम करता, न इनके लिए लोग काम करते, इनके लिए सिर्फ दोस्त पैसा ही काम करता, ये पैसे से पैसे को कमाते हैं। दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा, और आप अपने आप से एक सवाल भी करना, कि आप अपने आप को कौन सी कैटेगरी में अभी प्रेजेंट देख रहे हो, कि अगर आप एम्प्लॉय हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, क्या हो, अपने आप से सवाल करना। अगर आपको लगता है कि मेरे पास है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिस काम को करके मैं बिजनेस मैन या इन्वेस्टर बन सकता हूं, तो दोस्त उस काम को करना। लेकिन आपको लगता है नहीं, तो दोस्त इंडस्ट्री आपके लिए, मैं बताना चाहूंगा इस दुनिया के अंदर एक सर्वे हुआ है, मैं नहीं बोल रहा दोस्त, एक सर्वे हुआ है, सर्वे के अंदर बताया गया दोस्त, इस दुनिया के अंदर 95% से ज्यादा लोग या तो एम्प्लॉय हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, या तो नौकरी करके पैसा कमाते हैं या अपना खुद का छोटी मोटी दुकान करके पैसा कमाते हैं। लेकिन दोस्त मैं बताना चाहूंगा, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर इस दुनिया के अंदर सिर्फ 5 ही% है दोस्त, 5%, ओनली 5% पीपल्स बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है। और लेकिन दोस्त समझना इस बात को, इस दुनिया के अंदर जो 95% पब्लिक है जो नौकरी करके पैसा कमाती है, जो अपना खुद का छोटा मोटा व्यापार करके पैसा कमाती है, इस दुनिया के अंदर सिर्फ दोस्त 5 ही% पैसा कमाते हैं वो लोग, 95% लोग सिर्फ 5 ही% पैसा कमा रहे हैं। लेकिन दोस्त ये बिजनेसमैन और इन्वेस्टर 5% है, लेकिन इस दुनिया के अंदर सब 95% से ज्यादा पैसा दोस्त ये कमाते हैं। आपने कभी सोचा, आपने कभी अपने आप से सवाल किया कि ये क्या ऐसा करते हैं और हम ऐसा क्या करते हैं? दोस्त समझना इस बात को, ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय सिर्फ एक काम के ऊपर फोकस करते हैं कि मुझे कोई भी काम को करना कैसे है, मुझे नौकरी में क्या क्या काम करना है, बस अपने आप के ऊपर इनको घमंड होता है कि मैं ये काम जानता हूं। और जो दोस्त जिंदगी के अंदर कोई काम करना जानता है, वो दुनिया के अंदर हमेशा किसी दूसरे इंसान के लिए काम करता है। ये प्रैक्टिकल बात है दोस्त, जो इंसान ये जानता है कि मैं कंप्यूटर रिपेयर करना जानता हूँ, तो दोस्तों कंप्यूटर रिपेयर ही करता रहेगा जिंदगी भर। जिस इंसान को लगता है मैं टीचिंग कराना जानता हूँ, तो दोस्तों दूसरे के लिए टीचिंग ही कराता रहेगा जिंदगी के अंदर, खुद के लिए अपने लिए कुछ नहीं कर पाएगा। ये सच्चाई है, आपने इस कैटेगरी के अंदर देखा होगा, ये लोग हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करते हैं, इनके पास कोई टाइम नहीं होता, कोई सिक्योरिटी नहीं होती, हमेशा डाउट में रहते हैं, इनसफिशियंट फंड, कोई इनके पास में ज्यादा अमाउंट इनकम भी नहीं होती, हमेशा तनाव में रहते हैं। और ये दोस्त जिंदगी भर इतने बिजी रहते हैं, ना इनके पास समय होता, ना इनके पास टाइम होता, ना इनके पास सिक्योरिटी होती, हमेशा अपने आप को इतना बिजी रखते हैं और हमेशा अपने आप को एक्टिव इनकम में रखते हैं। ये काम करते हैं तभी पैसा आता, काम नहीं करते तो पैसा इनको नहीं आता है। लेकिन दोस्त ये बिजनेसमैन और इन्वेस्टर ऐसा क्या करते हैं जो इतने पैसे वाले हैं, कभी सोचा आपने? मैं बताना चाहूंगा दोस्त, ये जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर इस दुनिया के अंदर 5 ही% लोग हैं,
लेकिन दोस्त आज ये 95% से ज्यादा पैसा लेकर के बैठे हैं। इसका रीजन सिर्फ एक ही है दोस्त, इनको सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना होता है और एक चीज के ऊपर हमेशा फोकस करते हैं। इनको एक चीज पता होती है, कोई भी काम मुझे करना क्यों है, कि काम करूं क्यों, करूं तो करूं क्यों, वाई 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 वाई, अपने आप से बार बार सवाल करते हैं, वाई वाई वाई, ये क्वेश्चन के माइंड बार बार आते हैं, काम क्यों करूं। और जिस इंसान को समझ में आ जाए काम करना क्यों है, तो दोस्त इस दुनिया के अंदर कुछ भी कर सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त, आपने कुछ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे किसी इंसान ने एक बल्ब बनाया था, लाइट का आविष्कार, नाम सुना होगा आपने, थॉमस एडिसन। वो इंसान को पता था कि मुझे लाइट क्यों बनानी है, वो 1,000 बार नहीं दोस्त 10,000 बार फेल हुआ, लेकिन उसका पर्पस क्लियर था, उसका मकसद क्लियर था। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी साहब उनके घर में पैसा जाता है, रॉयल्टी इनकम परमानेंट जाती है। उसकी वजह सिर्फ एक ही है, उनको मकसद क्लियर था, उनको पता था कि मुझे बल्ब का आविष्कार क्यों करना है। उन्होंने सोचा अगर रात को अंधेरा है दिन में उजाला है, तो रात को उजाला क्यों नहीं हो सकता, नाइट में प्रकाश क्यों नहीं फैलाया जा सकता इस दुनिया के अंदर, उनकी छोटी सी सोच से। और आज पूरी दुनिया साहब प्रकाशित है, समझ रहे हो इस बात को। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, मैं कितने का एग्जाम्पल दूंगा, ऐसे दोस्त आपको आज ये क्लियर करना कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है, वाई असली पेस, वाई असली पेस, वाई असली पेस, अपने आप से बार बार सवाल करना। अगर आपका पर्पज क्लियर हो जाए उसके बाद इस काम को करना। दोस्तों बताना चाहूंगा, इस कैटेगरी में जो लोग होते हैं ये न तो खुद काम करते, आपने देखा होगा इनके पास बहुत कम काम होता है और इनके पास समय समय होता है, कोई डाउट में नहीं रहते, कोई टेंशन में, इनके पास समय की आजादी, पैसे की आजादी, हमेशा फ्रीडम लाइफ जीते हैं और हमेशा दोस्त पैसिव इनकम कमाते हैं। दुनिया से चले भी जाए तो भी पैसा आता है, काम करें ना करें तो भी इनके अकाउंट में पैसा आता है साहब, क्योंकि दोस्त इनके लिए लाखों लोग काम करते हैं, इनके लिए लोग काम करते हैं। और जिंदगी के अंदर दोस्त एक बात समझना, जिस इंसान के लिए लोग काम करते हैं वो पैसे वाला इस दुनिया के अंदर, वो आज इस दुनिया पर राज कर रहा है। और आप अकेले कितना भी हार्ड वर्क कर ले दोस्त, दुनिया के अंदर आप अमीर नहीं बन पाओगे, आप अपने सपनों को नहीं प्राप्त पूरा कर सकते, अपने चाहतों को पूरा नहीं कर सकते दोस्त, सच्चाई है। अगर आप चाहते हैं तो दोस्त मैं आपको बधाई देना चाहूंगा इस बात की कि आप आज जिस प्लेटफॉर्म पे आप आए हो, जो मंच आपने आज शुरुआत किया, जिस मंच पे आपने आज शुरुआत किया, असली पे वेलनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म, अगर दिल से कोई इंसान सिर्फ 3 से 4 साल सिर्फ यहाँ पे मेहनत कर ले, लोगों से मुलाकात और बातचीत कर ले, तो दोस्त मैं बधाई देना चाहूंगा, आप कम से कम साहब बिजनेस ओनर बन सकते हैं। आपके लिए लोग काम करेंगे, आप काम करें या ना करें तो भी पैसा आएगा। इस बात के लिए सर आपको बहुत बहुत बधाई हो। इसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा चीज और एहसास कराना चाहूंगा, लोग बोलते साहब मैं बिजनेस कर सकता हूं, भाई बिजनेस कर सकता तो समझो आप इस बात को, बिजनेस करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स रिक्वायरमेंट होते हैं, क्या क्या बेसिक नीड रिक्वायरमेंट होती है, आप समझना। पहली चीज, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो करो बिजनेस, अगर नहीं तो दोस्त आपकी सोच, आपका इमोशंस, आपकी चाहत यहीं खत्म होगी। दूसरी चीज, चलो इन्वेस्टमेंट कर लिया आपने, रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, करोड़ रुपए लगाने के बाद लोग बर्बाद हो जाते हैं। तीसरी चीज, टैलेंट, कोई भी बिजनेस करोगे दोस्त उसका टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए, वो क्वालिटी आपके अंदर पहले से होनी चाहिए, अगर नहीं है तो दोस्त मार्केट के अंदर आपको लोग टिकने नहीं देंगे। चौथी चीज, कॉम्पिटिशन, मार्केट के अंदर आप जो भी काम करना की शुरुआत करोगे, जो भी काम करना चाहोगे दोस्त, दुनिया करके बैठी है, लोग आपको दोस्त समाज के अंदर, मैं सच बता रहा हूँ, बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे आपको खा जाएंगे, उनसे आपको लड़ना पड़ेगा। मुकेश अंबानी जी का बहुत बड़ा एग्जांपल मैं कई बार देता हूँ, उनको पता था, उनके पास पैसा था, रिस्क उठाए, टैलेंट था उनके पास, कॉम्पिटिशन से उन्होंने लड़ा अपने आप को, लोगों को फ्री सेवा दी, जियो जब लॉन्च की 6 महीने फ्री बांटा, अपने आप लोग लाइन लगा के जुड़े दोस्त। ये अगर सारी क्वालिटी आपके अंदर है, ये सारी चीज आप कर सकते हैं तो बिजनेस करो, अगर नहीं है तो दोस्त नहीं कर सकते। लास्ट सबसे बड़ा पैरामीटर, या लास्ट सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट, समय। कोई भी बिजनेस दोस्त एक दिन के अंदर आपको समय नहीं देगा, कम से कम आपको 5 से 10 साल नहीं 15 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा, 10 से 15 साल का पैसेंस डेवलप करना पड़ेगा, 10 से 15 साल की सोच लेकर के काम करना पड़ेगा। आज जो मैंने बिजनेस की शुरुआत की है, उस बिजनेस से मुझे 10 से 15 साल बाद प्रॉफिट आएगा, ये सोच के दोस्त आप उस काम की शुरुआत करना। आप सोचो कि मैं नौकरी की तरह इस बिजनेस को कर लूं, पॉसिबल नहीं है। नौकरी दोस्त 30 दिन में पैसा दे देती, लेकिन बिजनेस के लिए दोस्त 5 से 10 साल 15 साल पैसेंस रखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके पैसा आएगा। दोस्त हमारे पास में इतना पैसेंस नहीं है, इतना धैर्य नहीं रख सकते, क्योंकि दोस्त हमारे बच्चे भी हैं घर में, हम बिना पैसे के नहीं रह सकते, जैसे अनु। इसलिए दोस्त ये बेसिक नीड है बिजनेस की, हम बिजनेस नहीं कर पाते, अपने सपनों को मार लेते हैं। लेकिन दोस्त आपको अगेन मैं बधाई देना चाहूंगा,
आपके पास स्लीपेस विलनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अपनी पीठ थपथपाइए। अगेन आपको बधाई देना चाहूंगा, बार बार आप धन्यवाद दीजिए जिस इंसान ने आपको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं, उसका बार बार धन्यवाद दीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग वो प्लेटफॉर्म है, उसमें स्लीपेस विलनेस वो प्लेटफॉर्म है कि आपके सारे सपनों को आपके सारे चाहतों को पूरा कर सकता है। और स्लीपेस क्यों करना चाहिए, कुछ फायदे मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे बड़ा फायदा स्लीपेस विलनेस में अगर आप काम करते हैं दोस्त, 4 से 5 साल बाद में आपके पास अनलिमिटेड इनकम, आप अपनी चाहतों के अनुसार पैसा कमाओगे, जितना आप चाहते हो उतने से भी ज्यादा मिलेगा, सच्चाई है। अनलिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, आप जहां भी मर्जी हो वहीं पे इस काम को कर सकते हो, घर बैठे भी कर सकते हो ऑनलाइन, आप घर घर जाके भी कर सकते हो, आप जयपुर में भी कर सकते हो, आप बिहार में भी कर सकते हो, आप यूपी में भी कर सकते हो, आप दिल्ली में भी कर सकते हो, आप आसाम में भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। कोई एरिया फिक्स नहीं है कि आपको इसी एरिया में करना है, इसी लोकेशन में करना है। आप रात को करो, दिन में करो, दोपहर में करो, आप रेलवे स्टेशन पे जाए करो, हॉस्पिटल में जाके करो यार, पार्कों में जाओ, कहीं भी जाके काम कर सकते हो। कोई लिमिट नहीं यहाँ पे कि पर्टिकुलर एरिया में करना है। इसके अलावा पर्सनलिटी डेवलपमेंट, दोस्तों आपको रियल बताऊं इस बिजनेस के अंदर जो सबसे बड़ी खासियत है, ये बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ, पर्सनलिटी डेवलपमेंट। मैं सच बता रहा हूँ दोस्त, इस इंडस्ट्री में जब आया था मैं दो लोगों के सामने बैठ के बातचीत करने में शर्माता था, खाना खाने में इवन मुझे शर्म आती थी। आप सोच सकते हैं वो इंसान आपके सामने आज धाड़ रहा है, उसका रीजन सिर्फ एक है, इस प्लेटफॉर्म की ताकत है, स्लीपेस वेलनेस की ताकत और फाइटर सक्सेस सिस्टम की ताकत है। आज मैं आप लोगों के सामने बातचीत कर पा रहा हूँ, तो दोस्त ये चीज आपके लिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे बिल्ड होती है, ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक क्वालिटी डेवलप हो जाती है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज आपके लिए। इसके अलावा मान सम्मान दोस्त, इज्जत, कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता कि लोग मुझे सम्मान दें, कौन नहीं चाहता कि लोग मुझे फूल माला के साथ में वेलकम करें। दोस्त इस बिजनेस के अंदर आप कहीं भी जाते हैं लोग आपके लिए लाइन लगा करके खड़े होते हैं, लोग आपके साथ सेल्फी लेते हैं, लोग आपके लिए जय जयकार के नारे लगाते हैं, यार कितना बड़ा खुशी होता है, कितना बड़ा अच्छी फीलिंग आती है। तो दोस्त ये चीज आपको यहाँ से मिलती है। टीम के साथ काम करने का मजा आता है इस बिजनेस के अंदर, कहीं भी काम करो सर अकेले भागना पड़ता है, अकेले मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर टीम के साथ में बस टीम को जिताना है, अपने आप जीत जाओगे। इसके अलावा दोस्त लग्जरियस लाइफ स्टाइल, आपकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल लग्जरी हो जाती है, आप सब कुछ लग्जरी यार, लग्जरी कार, लग्जरी मकान, लग्जरी सब कुछ, लग्जरी लग्जरी होटल्स के अंदर रुकना, लग्जरी जगह पे जाना, सिक्योरिटी फॉर जनरेशन, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। इस दुनिया के अंदर आप जो काम करें, अपने आप से एक सवाल कर रहा हूं, जो मैं काम कर रहा हूं क्या लगता है, आज मैं काम कर रहा हूं मेरे को पैसा आ रहा है, मेरे घर में पैसा जा रहा है, मेरे बच्चे खुश हैं, लेकिन दोस्त बहुत बड़ा सवाल अपने आप से, दोस्त आप इस दुनिया में नहीं रहें तब भी क्या पैसा आएगा, आप इस दुनिया से चले जाएं या काम ना करें तब भी घर में पैसा आएगा, बहुत बड़ा सवाल है, करके देखना एक बार, अपने आप से पूछना है सवाल, आप सोचना एक बार यार मैं आज जो काम कर रहा हूं इस काम को करके मुझे सब कुछ मिल रहा है, लेकिन क्या पता ऊपर वाला कब बुला ले भाई, कोई पता नहीं है, लेकिन काम ऐसा करो दोस्त, दुनिया में रहे ना रहे, काम करें ना करें, उसके बाद भी हमारे घर में परमानेंट पैसा जाता रहे, परमानेंट पैसा जाता रहे, उनको सुरक्षा मिलती रहे। दोस्त एक इंसान पैसे से इंसान को वापस नहीं ला सकता, लेकिन दोस्त एक इंसान पैसे से अपने बच्चों की, अपने फैमिली की चाहतों को जरूर पूरा कर सकता है। अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो उसे सब कुछ स्लीपियस विलनेस देती है। तो आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, जरूर आपको स्लीपियस विलनेस करना चाहिए। जब सारे एडवांटेज मुझे सर ने बताए, मैं धन्यवाद देता हूँ सबसे ज्यादा हमारे महागुरु जिस इंसान ने मुझे स्लीपियस विलनेस के बारे में बताया, कोई और नहीं दोस्त, आज मेरे लिए भगवान से कम नहीं है, मैं उनको भगवान से भी ज्यादा दर्जा मेरे लाइफ के अंदर देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नसीब गुरु जी का, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां गुरु जी के लिए। दोस्त थैंक यू वेरी मच गुरु जी, आपका शुक्रिया, मैं आपका ऋण चुका नहीं सकता इस पूरे जन्म में, छोड़ो पूरे 7 जन्म में भी नहीं चुका पाऊंगा, आपने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म मेरी लाइफ में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको बताना चाहूंगा स्लीपियस विलनेस के अंदर इतने कम टाइम के अंदर लोग सक्सेस प्राप्त कैसे करते हैं। अब स्लीपियस विलनेस को क्यों करना चाहिए, उसका छोटा सा चार्ट है, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा नौकरी से आपको क्या मिलेगा, बिजनेस से आपको क्या मिलेगा, स्लीपियस विलनेस आपको क्या दे सकती है। दोस्त आप यहाँ पे देख रहे हैं इस बिजनेस को करने के लिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, हमारा बिजनेस दोस्त लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करने का, आयुर्वेद के प्रति लोगों को जागरूक करने का, साथ में जो लोग बेरोजगार उनको रोजगार देने का काम है, अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का काम है, समझ सकते हो इस बात को। हम जो काम करें लोगों को हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, आयुर्वेद प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, जो घर में जो डेली नीड के प्रोडक्ट उनके बारे में लोगों को एजुकेट करते हैं, साथ में लाइफ स्टाइल के प्रति उनको जागरूक करते हैं, इन चीजों के बारे में हम लोगों को बताते हैं। ये प्रैक्टिकल सी बात है, आप जितने ज्यादा लोगों को बताओगे दोस्त उतने ज्यादा लोग आपके साथ में आएंगे। पैराग्राफ के माध्यम से, एक चार्ट के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, अगर ये काम अगर आप रेगुलर करते हैं पर डे सिर्फ एक इंसान को बताओ या दो इंसान को बताओ, यहाँ पे एक सर्वे करके बताया, ग्राफ के माध्यम से बताया गया, अगर एक इंसान एक साल के अंदर सिर्फ 100 लोगों को इस बिजनेस में लेकर के आ जाता है, सिर्फ लोगों से सिर्फ बातचीत करना है और मुलाकात करना है,
उनको सिर्फ हिंदी भाषा में या जो भाषा वो समझ जाए उस भाषा में बातचीत करना और कुछ नहीं करना। 100 लोगों को अगर लेके आ जाता है, 100 लोगों के ज्वाइनिंग पे, एक इंसान के जुड़ने से असली पेस वेलनेस के अंदर साहब 1,000 रुपए का इनकम आता है, तो 100 × 1,000 कितना हो गया, 1,00,000 रुपए की इनकम होगी। पहले साल आपने बहुत ज्यादा मेहनत की क्योंकि दोस्त अकेले थे, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, बहुत पसीना बहाया, लेकिन इनकम मात्र 1,00,000 रुपए। आपको मजा नहीं आएगा, आपका दिल करेगा छोड़ यार कहाँ फंस गया, किसके चक्कर में आ गया, इससे अच्छा तो मेरी नौकरी बढ़िया थी जहां पे महीने के 1,00,000 रुपए कमाता था, जहां महीने के 50,000 रुपए कमाता था। मैं 1 साल में 1,00,000 कमाऊंगा तो घर में क्या खिलाऊंगा बच्चों को। सच्चाई है, लोग इस इंडस्ट्री के अंदर साफ आते हैं और 6 महीने तक भी नहीं टिक पाते, गायब हो जाते हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर बता रहा हूँ, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पे लोगों का, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, लोग 6 महीने ही अपने आप को नहीं रोक पाते हैं और फिर बोलते हैं साहब मैंने भी की थी असली केस, मैंने भी की थी डुप्लीकेट, सर मेरा तो कुछ नहीं, वहां पे कुछ नहीं रखा इनमें, ऐसे लोगों को पागल बनाते हैं। ये सच्चाई है, मार्केट के अंदर आपको करोड़ों लोग मिलेंगे, आपको ऐसे करोड़ों लोग मिल जाएंगे, वैसा आज तो मैं सच बता रहा हूँ आपको, लाखों लोग तो मुझे मिल चुके हैं। समझ आ रहा है, लोग जहां जाते सर वही बोलते हैं मैंने भी की थी वो कंपनी, मेरा कुछ नहीं हुआ, कुछ इसलिए नहीं हुआ उसने कुछ किया नहीं, और बिना कुछ किए दोस्त कुछ होता भी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। इसके बाद में दूसरे साल के अंदर यहाँ पे प्रैक्टिकल पैराग्राफ है दोस्त, 95% लोग आपके यूजर बन जाते हैं, सिर्फ 5% लोग आपके साथ में काम करते हैं। आप ही कितने लोगों की लिस्ट बनाते हैं, लोगों के घर घर जाके लोगों को जानकारी देते हैं, 5 × 100 कितना होगा, 500 × 1,000 5,00,000 रुपए की दोस्त इनकम आती है दूसरे साल के अंदर। तो आपको लगेगा यार कुछ इनकम आ रही है, मजा नहीं आ रहा, लेकिन जो मैं चाहता था वो नहीं मिल पा रहा। 2 साल में ज्यादा जिंदगी नहीं बदलेगी, सच्चाई है, लेकिन दोस्त तीसरे साल में आपका आते आते 450 लोग यूजर, 50 प्रमोटर, 100 5,000 × 1,000 50,00,000 रुपए की इनकम होती है दोस्त तीसरे साल की। 50,00,000 रुपए तीसरे साल के अंदर दोस्त, आपने एक जॉब एक बिजनेस को साइड साइड कर दिया। पे समझ इस बात को, स्टार्टिंग के दोस्त पहले साल में पैसा नहीं आएगा, दूसरे साल में भी आपको इतना पैसा नहीं आएगा, 2 साल सिर्फ आप उस बिजनेस को सीखने में और समझने में ज्यादा समय लगेगा, आप अकेले होंगे, हार्डवर्क ज्यादा होगा, पैसा कम आएगा, इनकम कम आएगी, लेकिन दोस्त छोड़ के मत जाना, रुके रहना, टिके रहना, बने रहना। मैं बात क्यों बता रहा हूँ दोस्त, मेरे एसलीपीएस वेलनेस की जो शुरुआत की थी, मेरे अकाउंट में साहब पहले साल में 1,25,000 रुपए की इनकम आई थी, दूसरे साल के अंदर 4.5 से 5 लाख रुपए की इनकम आई थी, आज मुझे याद है। तीसरे साल के अंदर इतनी इनकम नहीं आई, लगभग मुझे आज भी प्रैक्टिकल पता, क्योंकि दोस्त मैंने काफी सारी गलतियां की, ये कंसिस्टेंसी की पावर है। तीसरे साल में मुझे 7 से 8 लाख रुपए 10 लाख के आसपास प्रॉफिट हुआ था, चौथे साल के अंदर दोस्त 25 लाख के आसपास प्रॉफिट हुआ, पांचवें साल के अंदर दोस्त इनकम करोड़ों से भी ज्यादा निकल गई। ये प्रैक्टिकल है दोस्त, ये आपके साथ भी होगा। 4 साल बाद में 450 लोग यूजर, 500 प्रमोटर होते हैं, 100 50,000 × 1,000 5 करोड़ की इनकम होती है दोस्त, सिर्फ 4 साल के अंदर आप 5 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। मैं इससे नेगेटिव चलता हूं, अरे 4 साल में 1 करोड़ रुपए भी आए तो जो छोटी बात नहीं है, 4 साल का सिर्फ ये तो सोच लोगों को कम से कम 1 करोड़ तो कमाऊंगा। और यहाँ पे स्लीपेस वेलनेस के अंदर मैं आपको अभी एग्जांपल दिखाऊंगा ऐसे से जिन्होंने स्लीपेस वेलनेस को 4 साल किया और 4 से 5 साल किया, उनकी लाइफ आज कैसी है आप देख सकते हैं। अगर 4 से 5 साल आप इस बिजनेस को कर सकते करते हैं तो आपकी लाइफ में पैसे की आजादी, समय की आजादी, मान सम्मान, एक बहुत ही खूबसूरत लाइफ आपकी दोस्त होगी, इस बात की गारंटी। बस 4 से 5 साल अपने आप को टिकाना है। नौकरी में दोस्त 40 साल मेहनत करना और डायरेक्ट सेलिंग असली पे सुनना सिर्फ 4 साल काम करना, जिंदगी के दोस्त 36 साल आप समय यहाँ से आप कमा सकते हो। समय पैसे के साथ साथ समय कमाने का मौका ये डायरेक्ट सेलिंग देता साहब, कि दोस्त पैसा कितना भी हो लेकिन समय नहीं है, जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी को एंजॉय करने के लिए दोस्त पैसे के साथ साथ में समय की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। दोस्त पैसा है, समय नहीं है, आप कहीं घूम नहीं सकते, फैमिली को नहीं घुमा सकते, लाइफ का एंजॉय नहीं ले पाओगे यार। इसलिए दोस्त इंडस्ट्री आपको सब कुछ देती है, पैसा भी देती है, समय भी देती है, मान सम्मान भी देती है, सिक्योरिटी भी देती है, सिर्फ 4 साल। इसलिए दोस्त इस बिजनेस को करना, सिर्फ 4 साल का अपने आपसे वादा करना। सर आपने बताया है, मैं आपको रियल बताऊं दोस्त, ये बात मुझे नसीब सर ने स्टार्टिंग में बताया, किसने अगर 4 साल आप अगर आप यहाँ पे रुकते हैं तो किसी की जिंदगी बदले या ना बदले, को करोड़पति बने या ना बने, लेकिन आप जरूर बनोगे, इस बात की गारंटी है। और आपके सामने उस आप अभी दिखाऊंगा कुछ लोगों ने डिसीजन लिया था इस इंडस्ट्री के अंदर, उनके नाम आएंगे। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सामने शेयर करना चाहूंगा, अब उसके बाद हमारे अचीवर के बारे में बताना चाहूंगा। अब दोस्त डिसाइड आपको करना है, आपको नौकरी करनी है या असली पेस वेलनेस करना है। जिंदगी आपकी है दोस्त, सोच आपकी है दोस्त, आपको स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है, डिसाइड आपको करना है दोस्त। इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक बार एक क्या था, कुत्ता था। कुत्ता क्या था, सुबह सुबह भोजन की तलाश कर रहा था, उसको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, उसको कुछ मिल नहीं पा रहा था, वो काफी देर से इधर उधर भटक रहा था। लेकिन अचानक दोस्त उसकी नजर एक खरगोश के ऊपर पड़ती है, उसको एक खरगोश दिखाई देता है और खरगोश को कुत्ता दिखाई देता है। अब जैसे ही
कुत्ते ने खरगोश का पीछा करना स्टार्ट किया। खरगोश तेज दौड़ने लगा। काफी देर तक वो दौड़ते रहे, खरगोश और तेज दौड़े, कुत्ता और तेज दौड़े। लेकिन लगभग 1-1.5 घंटे दौड़ते दौड़ते खरगोश को अचानक एक बिल नजर आया, या मैं बोल सकता हूँ गुफा, उसके अंदर जाकर छुप गया, बिल के अंदर। अब कुत्ता क्या करे, कुत्ते को भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी, इसलिए कुत्ते ने वहीं बैठने का डिसीजन लिया कि मैं यहीं बैठता हूँ, कभी तो निकलेगा इस बिल के बाहर। लेकिन दोस्त समझना, सुबह का टाइम था, दोपहर होगी, शाम लगभग 2-3 बजने वाले थे। उस टाइम तक खरगोश ने बाहर जैसे निकला तो देखा तो कुत्ता तो हाँफ रहा था, कुत्ता वहीं बैठा था, कुत्ता परेशान था, भूख से हालत खराब हो रही थी उसकी। उसके बाद में कुत्ते ने जैसे खरगोश को देखा तो खरगोश से एक बात पूछी। जानना चाहते हो क्या पूछा? एक ही बात पूछी कि हे खरगोश, तेरे से मैं उम्र में बड़ा हूं, तेरे से मैं ज्यादा तेज भी दौड़ सकता हूं, तेरे से मेरा दिमाग भी तेज है, हर चीज में मैं तेरे से बड़ा, मेरे पैर बड़े, मेरा शरीर बड़ा, हर चीज बड़ी, उसके बाद भी तू मेरे से तेज दौड़ पाया और मैं तेरे को नहीं पकड़ पाया, इसका सवाल का जवाब दे। तो खरगोश ने एक ही बात बोली, और दोस्त वो जानना इस बात को, खरगोश ने एक बात बोली, दोस्त कुत्ते आप अपने भोजन के लिए दौड़ रहे थे, आप अपने लंच के लिए दौड़ रहे थे, आपको सिर्फ अपना लंच नजर आ रहा था और मैं अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहा था, मुझे जिंदगी बचानी थी अपनी। दोस्त जब इंसान की जिंदगी की बात हो तो पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, इतने एक्सट्रीम पावर होती है इंसान के अंदर, कितनी ताकत से दौड़ सकता सोच नहीं सकते। तो दोस्त इस मैसेज से सिर्फ एक ही समझना, आप इस बिजनेस को लंच के लिए करना चाहते हो या आप इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन होगे लेकिन उसके बाद भी आप जॉब को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, तो लंच ही मिलेगा दोस्त, लंच के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। अगर जिंदगी को चाहते हो स्वर्ग बनाना, जन्नत बनाना, तो दोस्त आपको खरगोश की तरह दौड़ना पड़ेगा, कुत्ते की तरह नहीं, खरगोश की तरह दौड़ना पड़ेगा, तब जाके दोस्त जिंदगी बदलेगी, तब जाके दोस्त जिंदगी के अंदर आपके सारी खुशियां आपके पास होंगी। डिसाइड आपको करना है, आपको लंच के लिए दौड़ना है या अपनी लाइफ के लिए दौड़ना है। जिन लोगों ने अपनी लाइफ के लिए काम की शुरुआत की इस इंडस्ट्री के अंदर, आप सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार जोरदार ताली हमारे महागुरु जी मिस्टर महिपाल सर के लिए, आज इस इंडस्ट्री के अंदर आए थे गुरु जी, और आज मैं आपको बताना चाहूंगा, आज नौकरी छोड़ के, लोग बोलते हैं सर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए बहुत बड़ी बात है, आज सर ने नौकरी छोड़ के इस बिजनेस की शुरुआत की दोस्त 9 साल की, क्योंकि उनको लंच के लिए काम नहीं करना था, इनको लाइफ नजर आ गई, और आज इस लाइफ की नजर जैसे आई इस प्लेटफॉर्म के अंदर, तो आज दोस्त एक खूबसूरत लाइफ जी रहे हैं। आज इनके पास दोस्त 3-3 लग्जरी कारें हैं, जगवार, क्रूज और पोर्चे जैसी कार, दोस्त 50 लाख रुपए ज्यादा की इनकम। इसके अलावा दोस्त हमारे महागुरु जी मिस्टर शिव कुमार सर, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तरह गुरु जी के लिए, बिहार के रहने वाले, कंपनी के फास्टेस्ट अचीवर, दोस्त आज गुरु जी भी नौकरी किया करते थे, आज सर के पास 2-2 लग्जरी कार है, महीने की इनकम 40 लाख रुपए से ज्यादा। इसके अलावा दोस्त हमारे महागुरु जी मिस्टर नसीब सर, एक बार जोरदार तरह गुरु जी के लिए भी, दोस्त गुरु जी ने भी इस बिजनेस की शुरुआत की और आज 22.5 साल नौकरी करने के बाद गुरु जी अपनी लाइफ को नहीं जी पा रहे थे, सिर्फ जिंदगी काट रहे थे, असली पेस जुलस मिली, आज जिंदगी को दोस्त जी रहे हैं, जिंदगी ऐसी हो चुकी है, 2-2 लग्जरी कार, ओडी और रेंज रोवर। इसके अलावा दोस्त महेश चौधरी सर, हमारे एक और गुरुजी हैं मिस्टर महेश चौधरी सर, एक बार जोरदार तैयार गुरुजी के लिए, ब्लू डायमंड, 15.5-14 साल की नौकरी छोड़ के इनको लाइफ समझ में आ गई, जिंदगी काट रहा हूं, सिर्फ लंच मिल रहा और कुछ नहीं मिल रहा, लाइफ जीना चाहते थे, फैमिली की लाइफ बदलनी थी, बच्चों को खुशियां देनी थी, 14.5 साल के साथ पके पकाए गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके आज जगवार जैसी कार को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा दोस्त आज मुझे देख रहे हो, नाम मेरा कृष्ण बलौदा, जैसे कि मैंने बताया बेसिकली मैं एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे लाइफ समझ में आई कि सर लंच के लिए काम नहीं करना, जिंदगी को काटना नहीं है, पेट भरने के लिए नहीं आया धरती पे, पेट तो दुनिया भर रही है, पेट तो जानवर भर रहा है, जानवर भी पेट भरता है कृष्ण, तू भी पेट ही भर रहा है, तो जानवर और इंसान के अंदर कोई अंतर नहीं है, हम सिर्फ जानवर की तरह अपनी लाइफ को दोस्त जी नहीं रहे, काट रहे बोल सकता हूँ दोस्त, ऊपर वाले ने पेट भरने की गारंटी दोस्त देके भेजा है, कोई भी इंसान भूखा सोता नहीं है, ये बात मुझे समझ आई, क्योंकि दोस्त आज से लगभग 6 साल हो चुके हैं, आज 6 साल पहले मुझे असली पेस मिलने जब मुझे देखने का मौका मिला था दोस्त, मैं बताना चाहूंगा उस टाइम मैं भी अपनी लाइफ को दोस्त काट ही रहा था, एक लंच का गुजारा मिलता था और उसके अलावा कुछ नहीं, अपनी ख्वाहिश से कहीं नजर नहीं आती पूरी हो पाएंगे, अपने चाहते कहीं नजर नहीं आती पूरे हो पाएंगे, अपने सपने कहीं पूरे हो पाएंगे ऐसा नजर ही नहीं आ रहा था दोस्त, दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन दोस्त आज मैं थैंक्स करता हूँ असली पेस विलनेस का, थैंक्स संजीव सर का, आज मेरी लाइफ में आई, और आज मैं आपको बताना चाहूंगा एक छोटा सा लड़का 20-22 साल के अंदर इस बिजनेस के अंदर आता है आज आपके सामने दोस्त, इस बिजनेस से एक बाइक से सफर की शुरुआत की थी, आज इको स्पोर्ट जैसी कार मिली, उसके बाद दोस्त फ्लैट मिली और जगवार जैसी लग्जरी कार का दोस्त सोच भी नहीं होता, ये सब कुछ इस बिजनेस से पॉसिबल, आज महीने की 10-12 लाख रुपए की इनकम आती है साहब, आज जिंदगी टोटली बदल चुकी है, आज काम करूं या ना करूं
तो भी पैसा आता है दोस्त। देश विदेश की यात्राएं, आज दोस्त लगभग 7 से 8 ट्रिप में फॉरेन की ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो उसी मेरी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। जगवार कार का दोस्त कभी सपना नहीं देखा, वो कार आज मैं मेंटेन करता हूँ, बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। तो उसे सब कुछ मेरी लाइफ के अंदर आया, और सबसे बड़ी खुशी इस बात की नहीं कि मैंने पैसा कमाया, आज मेरी टीम में जिन लोगों ने डिसीजन लिया, मेरे साथ में डिसीजन लिया, आज वो लोग भी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, आज उनके पास भी लग्जरी कार, आज के दोस्त ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्त। आज दोस्त एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर मेरे बारे में अगर कुछ ज्यादा जानना चाहते हो तो आपको ये नजर आ रहा होगा फोटो के अंदर कृष्ण बलौदा ये लिखा हुआ है नाम, फेसबुक पे आप सर्च कर लेना आई कृष्ण बलौदा के नाम से या कृष्ण बलौदा के नाम से मिल जाऊंगा, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। और डिटेल से जानना है आप मुझे पर्सनली, कहीं भी जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उन पे जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी, मैं अपडेट करता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, तो आप वहां पे लाइक और फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।